हेलो हम यहाँ आए हैं आज एंड वी आर एबल टू परफॉर्म सो आई मस्ट टेल यू ऑल समथिंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी एज कोरियोग्राफर्स एंड डांस डायरेक्टर्स एंड रियलिटी शोज एंड स्टफ बट द पायनियर ऑफ एक्रोजील दैट इज एक्रोबेजिया विच केम टू इंडिया जो हम आप देखते हो हवे में उड़ रहा है अभी से गिर रहा है सो इट वॉज हिम अतवाकर एंड And I'm glad and very excited that we are going to perform today. Yes, we are very fortunate. So, as I said, we are very fortunate कि it's been almost 10 years हमने journey start किया था and we did so many shows and आज भी वापस हमें लोगों को वापस हमारा अपना talent दिखाने का मौका मिलेगा. So, I think we are also very lucky. कुछ खास performance? So. जैसे इट्स नव भारत टाइम सो वी वॉन्टेड टू ब्रिंग द एथनिसिटी ऑफ आर कंट्री ऑफ अपना भारत सो देर इज अ इंडियन टच टू इट दैट जो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एंड आई जस्ट रियली होप एवरीबडी लाइक्स इट थैंक यू यस यस गुड हाउ यू आई थिंक ये बहुत ही हमारा सबसे सीनियर और पुराना इस्टेब्लिशमेंट रहा है और इंस्टीट्यूशन रहा है जहाँ तक कि मीडिया का सवाल है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनफैक्ट मैं भोपाल में शूटिंग कर रही थी इसलिए मैम बोल रहे थे कि आप आए भोपाल से इस इवेंट के लिए आई थिंक जहाँ पे सीनियोरिटी होती है और जहाँ पे इंटेग्रिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है आई थिंक आई एम हियर विद ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर नव भारत टाइम्स यस Always, I think right from the beginning, luckily Nav Bharat Times has never been कि मुझे याद हो पहले कि 90s में कि gossipy, yellow journalism या कुछ ऐसे articles हो Always straight facts होते थे और अच्छे positive articles होते थे and I think इसलिए वो credibility भी भरती है and that's why you feel like doing what you do. मतलब रविन्या जी के बारे में तो मतलब कभी क्या वो गाना जो है ना देखते ही तुमसे प्यार हुआ तो वो वाला गाना जो है बोलते हैं ना कैसे दिल में एक घंटी बजती है तो आज भी वही है वही रविन्या जी का जलवा है और ओवर द ईयर्स क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं एंटरटेनमेंट में हैं और देखते जाते हैं कि एक कलाकार कैसे निखरता जाता है संवरता जाता है दमन में जब उनका काम था जब नेशनल अवार्ड मिला ये जितना भी उनका बॉडी ऑफ वर्क है चाहे वो सामाजिक सरोकार की फिल्में हों या एंटरटेनमेंट मसाला फिल्में हर जगह रवीना जी का एक वो रहता है जलवा रहता है आरण्य अभी जो आया था उसमें भी बहुत सुपर्ब काम हुआ है तो हमें लगा कि पार एक्सेलेंस जो एक्ट्रेस हैं वो अवार्ड जो जाना चाहिए वो रवीना जी को ही मिलना चाहिए वो उसकी हकदार है KGF 2 के बारे में हाँ और KGF 2 तो मैं कैसे भूल सकती हूँ अभी मैं आ रही थी लोगों के बारे में बोल रही थी नहीं हमने पूरे आपके इंट्रो में पूरा वो लिखा है आर्टिकल में और उसमें मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक अलग ही तरह का रोल
जो कि रवीना का एक रवीना टंडन का एक बहुत ही अलग रोल हमें देखने को मिला. आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं. नहीं, जब एंटरटेनमेंट एडिटर साथ में हो और जिनको जो रवीना का इतना बड़ा फैन हो तो फिर आपके लिए हमारा कहना बनता है. आप हमारी मेहमान हैं, अवार्डी हैं. मैं बस एक नवभारत टाइम्स उत्सव जो हम कर रहे हैं, NBT उत्सव 2022, ये एक उम्मीद हमारे लिए लेकर आया है पैंडेमिक के बाद. बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं इस पूरे समारोह का हिस्सा बनकर. मैं बहुत खुश हूँ और जहाँ तक के इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट का सवाल होता है तो नवभारत टाइम्स अब 72 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और वो उत्सव इसलिए भोपाल से आई हूँ यहाँ बनाने के लिए शूटिंग के बीच में. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया एंड आई होप वही रिस्पेक्ट और वही रिश्ता हमारा हमेशा कायम रखे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अनदर ग्रेट 72 इयर्स. आप और मैं शायद हो ना हो बट अनदर ग्रेट 72 इयर्स है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम. चलिए थैंक यू. आइए. हंसा जी का तो कहते ना कि हंसा जी का कद इतना बड़ा है कि इनके इंट्रोडक्शन में योग के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि इनके लिए तो एक पूरा पुराण लिखा जा सकता है. और अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल से और पूरा कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में एक योग का अलग जगाने के बाद हंसा जी आप यहाँ पर हैं हमारी 72वीं सालगिरह पर. आप कैसा महसूस कर रही हैं? अरे NBT ने जो इतना काम किया है, मैं जब छोटी सी थी ना तब से हमारे यहाँ नवभारत टाइम्स आता ही रहा है और तब से जुड़ी हुई हूँ मैं. हमारे और कुछ नहीं आता था, नवभारत टाइम्स ही आता था घर पे और बाबू जी हमेशा कहते थे वो ही पढ़ो क्योंकि उसमें जो न्यूज़ होगी वो सच्ची न्यूज़ होगी, बाकी तो लोग कुछ बोलते कुछ है, पेपर में जमता कुछ है. तब से हमारा संबंध है और अब तो इतना ज़्यादा संबंध जुड़ गया है जब से सुंदर जी इंस्टीट्यूट में आए और उन्होंने जिस तरह हमारे साथ आगे योग सीखे वो और अच्छी तरह सारे क्लास में बैठ के लेक्चर्स बाकायदा सुने और सी, तो ये तो इतना अच्छा लगा कि जब एक ऐसे अच्छे पत्रकार अगर इस स्थिति में है कि वो और सीख रहे हैं, सही स्थिति में आ रहे हैं, तो वो एक अच्छे इंसान ही होंगे और संसार में अच्छा ही सब करें. बिल्कुल. और इसीलिए नवभारत में जो आर्टिकल्स देते रहे हैं जी और वो सब बहुत रेगुलर देते रहे हैं. मेरा आर्टिकल हर संडे को देते हैं जी और हर मंडे को वो स्पीकिंग ट्री में भी मेरा आर्टिकल आता है. तो हंसा जी आपका सम्मान, हंसा जी का सम्मान हमारा सम्मान है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद इधर आने के लिए. सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई. बहुत शुक्रिया. डेडिकेटेड सर्विस है आप सब लोगों की, तभी तो काम अच्छा बढ़ रहा है ना. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट. प्लीज आप पधारे. जी आइए आइए. Like, to see the durability and strength of the NBT brand, so wonderful to be associated. Yeah, as I say, you know, it's a lot older than I am, so I think since I've been a kid, we look forward to, you know, our parents and being associated with it. But it's a great pleasure to be here at this milestone. Thank you. तो ये वार्षिक कार्यक्रम है ना, मतलब ये जयंती वाला है. आज नवभारत टाइम्स का 72वां जन्मदिन है और इस मौके पे हर साल एक जन्मदिन का समारोह होता है और इस समारोह में मैं आया हूँ. और नवभारत टाइम्स का समारोह ऐसा लगता है हमारे घर का समारोह है, हमारे घर का अखबार है. हम सब नियमित पाठक हैं, ये हमारा अखबार है. तो नवभारत टाइम्स को बहुत सारी शुभकामनाएं. नवभारत टाइम्स में काम करने वाले हमारे तमाम साथियों को उनके अखबार के जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत बधाई.